मोबाइल से YouTube चैनल कैसे बनाते हैं? दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल से YouTube चैनल बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे पास कंप्यूटर या लैपटॉप कुछ भी नहीं था। मैंने सारा ये काम जो किया था वो अपने मोबाइल से किया था। सिंपल दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है यूट्यूब, ठीक है, YOU। उसके बाद आपको खाली सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने के बाद देखिए ऊपर जो एप्लीकेशन आएगी इसे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, अनइंस्टॉल और अपडेट। तो यहाँ पे हमें सिंपल इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। दोस्तों, आप कह रहे हैं अपडेट करने की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन जो है इसमें नहीं आते हैं, इसलिए इसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अपडेट हो चुका है दोस्तों। जब आपका YouTube एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा ओपन का, ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का पेज आपके सामने दोबारा से खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जाना है कोने में, ठीक है। थोड़ा सा नेट यहाँ पर स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोने में जाना है। और कोने के बाद देखिए, जाने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आईडी आप जो चला रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए, अगर आपकी में आईडी यहाँ पर नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना होगा प्लस के आइकन पर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए अपना पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, वो वाला पासवर्ड जो आपने अपने फ़ोन के अंदर लॉक लगा रखा है, फ़ोन लॉक, चाहे आपने अपना फिंगरप्रिंट लगा रखा हो या कोई पिन या पासवर्ड, ठीक है, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल योर फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी जो आपके पास शायद हो सकती है। अगर आपने ईमेल आईडी अभी तक नहीं है आपके पास, तो आप मेरी वीडियो देख करके जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है उसको देख करके आप अपनी ईमेल आईडी बनाना सीख सकते हैं। तो मेरे पास देखिए एक ईमेल आईडी है, तो मैं यहाँ पर उसे डाल दे रहा हूँ अब, ठीक है, DTECH। आप देखिए, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और उसके बाद देखिए एक बार दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास एक एरर मैसेज आ चुका है, दिस अकाउंट ऑलरेडी एक्सिस ऑन योर डिवाइस, यानी पहले से आपने आपकी डिवाइस में पहले से ये ईमेल आईडी है। तो आप मैं यहाँ से दोबारा से इसे पैक होने के बाद दोबारा से यहीं से इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का पेज यूट्यूब का आपके सामने खुल जाएगा, और आपको यहाँ पर एक राइट साइड में वीडियो के ऊपर राइट साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोबारा से माई चैनल पर जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको दोबारा से क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम सेलेक्ट करना है। अब यूट्यूब चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं, किस तरह का मतलब आपको चैनल बनाना चाहते हैं, कॉमेडी है, फ़नी है, क्या है, प्रैंक वीडियो बनाएंगे या टैग वीडियो बनाएंगे, उस हिसाब से आप अपना YouTube चैनल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। YouTube चैनल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए मैंने दयाल डाल दिया, ठीक है, अपना नाम DAYAL, ठीक है। अब उसके बाद डन कर दिया, डन करने के बाद देखिए आगे टैग लिखा हुआ है, तो दयाल तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और मुझे बनाना है अभी दयाल टेक्निकल, तो टेक्निकल आगे लिखना है, ठीक है। ये दोनों वर्ड मुझे अलग अलग दोनों कॉलम में लिखने हैं, इसलिए क्योंकि ये दोनों जाके वहाँ पर दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक ही कॉलम में दयाल टेक्निकल लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्यों, फिर वहाँ पे जाके ये दो बार आ जाता है। आपको इस तरह से जैसे मैंने दयाल टेक्निकल लिखा है, इस तरह से आपको चैनल का अपने का नाम लिखना है, ठीक है। मतलब बीच में जो स्पेस होता है वो इसमें लिखना है और वो इसमें लिखना है, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट चैनल का, ठीक है, तो क्रिएट चैनल पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चैनल क्रेडिट का मैसेज यहाँ पर आ गया, यानी हमारे चैनल का नाम रखा जा चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी कई सारी बातें बाकी हैं, यहाँ पर हमें लोगो लगाना है अपने चैनल का, और यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए हमें एक ऑप्शन मिल जाता है गेयर का आइकन, यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, तो यहाँ दोस्तों बीच में जो कैमरे का आइकन बना हुआ है यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन सामने आ जाएंगे, एक टेक ए फ़ोटो और चॉइस फ्रॉम गैलरी, ठीक है, चॉइस फ्रॉम योर फ़ोटो। तो यहाँ पे हमें दूसरे वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए यहाँ से हमें अपनी गैलरी सिलेक्ट करनी है,
चलिए मैं यहाँ पे गैलरी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और जो गैलरी में हमारा कोई फ़ोटो होगा उसे लगा सकते हैं। गैलरी के अंदर मैंने देखिए दोस्तों पिक्स आर्ट एप्लीकेशन से एक लोगो बना रखा है अपने चैनल के लिए, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पर लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ ये रहा वो वाला लोगो जो मुझे अपने चैनल में लगाना है। ठीक है, सिंपल इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से देखिए ये इतना चौड़ा जो बॉक्स खुल रहा है इसके अंदर हमें इसे फिट करना है इस तरह से कि बिल्कुल फिट बैठ जाए। ठीक है, तो ये दूर से ही जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल फिट इसके अंदर बैठाना है। ठीक है, उसके बाद बस फिट बैठने के बाद में देखिए आपको शायद ऊपर जो राइट साइड में सेव का जो ऑप्शन है वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद देखिए थोड़ी सी देर में यहाँ पर जो वीडियो में जो फ़ोटो मैंने सिलेक्ट करा था वो यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं वो वाला फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए हमें यहाँ पर अपने चैनल के बारे में लिखना है, किस डिस्क्रिप्शन में मतलब किस बारे में हमारा चैनल है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि मेरा टेक चैनल है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा, हाय दोस्तों मेरा नाम दयाल है और मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ और मैं एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। इस तरह से आप भी अपने चैनल के बारे में 1000 वर्ड के अंदर जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। ठीक है, ने को मिलेगी। ठीक है, और भी आगे लिख सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओके कर देना। ये शब्द आप 110 में मैंने लिख दिया, अभी आप 1000 बार तक लिख सकते हो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, कोई नहीं, ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद इस तरह से आपका चैनल अभी दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों इतनी जगह जो खाली पड़ी है इसके अंदर हमें एक कवर फ़ोटोज़ लगाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने हमारी गैलरी खुल जाएगी, अपनी गैलरी में जाके अपना कवर फ़ोटो सिलेक्ट करना है। चलिए मैं अभी देख ले रहा हूँ कोई कवर फ़ोटो अगर मेरे पास पड़ा हो तो देखता हूँ, शायद मैंने कवर फ़ोटो अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ से कोई फ़ोटोज़ आपके लिए लगा के मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने ये वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये फिट नहीं बैठ पाएगा क्योंकि इसका जो साइज़ होता है कवर फ़ोटोज़ का पोस्टर का वो अलग होता है। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो पोस्टर और थंबनेल बनाना मैं आपके लिए सिखा दूंगा, उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोने पे हमें सेव का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो चैनल का डेकोरेशन है वो अब बन चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा चैनल बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, आप देख रहे होंगे। आप देखिए सिंपल हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आप देख सकते हैं इस तरह का चैनल हमारा लग रहा है। आप देखिए मैं जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारा चैनल बनके तैयार है। अब देखिए हम अपने YouTube के होम पेज पर चलते हैं, और होम पेज पर जाने के बाद देखिए दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई सारी वीडियो अपलोड हैं जो दूसरे लोगों ने हमको भेजी हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कोने पे अभी भी हमारे चैनल का लोगो नहीं आया है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, कुछ ही देर में यहाँ पे हमारा जैसे ही अपलोड हो जाएगा फ़ोटो वो यहाँ पर आ जाएगा। वो फ़ोटो आता है गूगल से, थोड़ा बहुत उसमें टाइम लग जाता है। अब देखिए अगर हमें अपनी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है तो क्या करना होगा दोस्तों, अगर आपको अपनी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी है तो कुछ नहीं, आपको होम की दबानी है, और देखिए होम की दबाने के बाद आप ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब देखिए क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी गैलरी खुल जाएगी। ठीक है, और अपनी गैलरी में से आप जो चाहो वो वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट करने के बाद आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। तो आपके सामने मैं एक वीडियो अपलोड करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से एक वीडियो अपलोड कर ले रहा हूँ, ये वीडियो है, और देखिए मैंने वीडियो सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पे देखिए टाइटल में लिखना है, टाइटल होती है हेडलाइन, तो यहाँ पे हेडलाइन में क्या है ये किस बारे में वीडियो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, टाइटल में मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर डाल दे रहा हूँ बस के ऊपर सफ़र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला बटन दबा देना है और दोबारा से डन कर देना है। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन और मिलता है हमें नीचे, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन दोस्तों वो होता है इसके अंदर आपको वीडियो के बारे में बताना होता है किस चीज़ के बारे में ये वीडियो है। जैसे मैं अभी छत के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, और तो मैं छत के ऊपर सफ़र क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इस टाइम कोई एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और पब्लिक ज़्यादा है और बसों की बहुत ही कमी है। आप जो भी चाहें वो इसमें लिख सकते हैं, वीडियो के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन और मिल जाता है हमें,
यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ठीक। और इस ऑप्शन के अंदर हमें तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन है पब्लिक और एक अनलिस्टेड और एक प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है दोस्तों हर कोई हमारी वीडियो देख सकता है, अनलिस्टेड का मतलब है जिसके पास हमारी वीडियो का लिंक होगा वो देख सकता है, और नीचे प्राइवेट केवल अगर आपने प्राइवेट कर दी तो केवल आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। और तो मैं इस टाइम अपनी वीडियो पब्लिक ही रहने दे रहा हूँ जिससे जिससे कि हर कोई मेरी वीडियो को देख सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए देखिए सिंपल आपको यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और देखिए क्लिक करने के बाद आपका वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आशा रखता हूँ दोस्तों आप यूट्यूब चैनल बनाना सीख गए होंगे, तो प्लीज़ एक लाइक मार दो। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, साथ में बेल आइकन और दबा दें जिससे अगली वीडियो का अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।